अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है डबल मशीन का और इसमें एक छोटा सा प्याज और दो तीन जवे लहसुन के इसे अच्छी तरह से कूट लिया था या आप उसे चॉपर में भी पीस सकते हैं। उसका पानी निकाल के वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम बेसन डालेंगे 2 चम्मच। ये बेसन इसलिए डालेंगे क्योंकि इसके बाद कोफ्ता नहीं खुलेगा और वो जुड़ा रहेगा। अब हम आधी चम्मच डालेंगे कुटी हुई धनिया और आधी चम्मच डालेंगे नमक और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे बॉल की शक्ल देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बॉल चाहते हैं। हमने नॉर्मल साइज का लेना है। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो हमने कोफ्ते बनाए अब हम उसका सालन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें छोटे से 2 अदद प्याज चाहिए, टमाटर, हरी मिर्च और सूखा लहसुन। इसे डाल के जग में डालेंगे, इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बने। जी अब हमने गरम ऑयल में ही कोफ्ते डालने हैं और हल्के से लाइट ब्राउन करने हैं ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। जी सालन बनाने के लिए इसमें ऑयल डालेंगे हम। अब जो मटेरियल हमने ग्राइंड किया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर ताकि इसका मसाला ऑयल पे आ जाए और अच्छी तरीके से हल्का सा भून जाए। देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये तेज़ आंच पे भून रहे हैं हम इसे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो गया और ऑयल भी नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी और हसबे जायका नमक। थोड़ी सी लाल मिर्च आप जितना पसंद करें, ज़्यादा या कम, हम लोग नॉर्मल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी सूखी धनिया डालेंगे कुटी हुई। अब हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे, 1 कप पानी शामिल कर देंगे और जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो आप इसमें शामिल कर देंगे। आराम से इस पानी में छोड़ते जाएंगे। अब हम इसमें इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इस पानी में गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी ड्राई हो चुका है। इसे हल्के हाथ की मदद से हिलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ये देखिए माशाल्लाह से ये ऑयल पे आ चुका है और कोफ्ते भी अंदर से पक चुके हैं। अब 1/2 चम्मच इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। और हरे धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। जी आज की हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की हमारी डिश आपको कैसी लगी। शुक्रिया।